हर वर्ष हम लोग 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। तो ये विश्व जल दिवस मनाने के पीछे मंशा क्या होती है? मंशा ये होती है, उद्देश्य ये होता है कि हम जल को बचाएं। अब जल को बचाना कैसे? ये तो जल को बचाना है ही कि अगर हमें एक लोटे पानी की आवश्यकता हो तो वहाँ हम एक बाल्टी पानी ना फैलाएं, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करें। दूसरा ये है कि जो भी हमारे जल संसाधन हैं जिनके माध्यम से हम जल प्राप्त करते, जैसे कि हमारे कुएं, तालाब, नदियाँ पीने योग्य पानी प्राप्त करते, उसको प्रदूषित ना होने दें। भाई ये जो हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं ये भी बरसात में बहकर उन नदियों तालाब पर पहुँचते हैं। दूसरा हमारे जो कारखानों का जो कचरा होता है वो भी हम जल में ही बहाना आसान समझते हैं। और ये जो हमारी पॉलीथीन वगैरह ये जंगली जानवर हैं उसमें तो घूमते ही हैं, साथ में ये पॉलीथीन कूड़ा कचरा ये भी हम जल में फेंक देते हैं, कपड़े भी धुलते हैं। तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। हम सीधा सीधा ध्यान रखें कि हमारे किसी भी कार से जल तो नहीं। अब ये देखिए वहाँ से भैंस को नहला रहे हैं, ये हम लोग इसे सामान्य घटना समझते हैं, सामान्य बात समझते हैं, ये तो आम बात है, ये तो सब होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इन सब बातों का ध्यान रखें तो हम जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, और प्रदूषित होने से बचाएंगे तो हम जल बचाएंगे, वो जल हमारे पीने योग्य रहेगा, हमें बीमारियां नहीं होंगी, हमारा धन बचेगा। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि किस तरह पहले पेंसिल के द्वारा स्केचिंग, उसके बाद ब्लैक जेल पेन से, उसके बाद स्केच कलर, उसके बाद वैक्स क्रेयॉन पेस्टल कलर का प्रयोग किया गया और ये जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन के ऊपर ये ड्राइंग बनाई। तो आप लोग भी इसको बनाने का अभ्यास करेंगे और जो इसके माध्यम से मैसेज दिया गया है उस मैसेज को आप और लोगों तक पहुँचाएंगे और एक जल प्रहरी की भूमिका अदा करेंगे। नमस्कार।